मणिपुर राज्य भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ भारत का एक आकर्षित उत्तर पूर्वी राज्य है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर को साउथ एशिया का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मणिपुर को भारत का गहना नाम दिया गया था। मणिपुर ही वह स्थान है जहां से ही पोलो नामक खेल की शुरुआत हुई थी। मणिपुर के लोग पोलो को सगोल कांजेई कहते हैं। मणिपुर का खाना, मणिपुर पहनावा और मणिपुर के दर्शनीय स्थल यहां आने वाले पर्यटकों के दिलों को छू जाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से भी मणिपुर का एक अलग ही स्थान है। मणिपुर में सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं जो कि अपनी हस्तकला का शानदार उदाहरण है। मणिपुर स्टेट और मणिपुर के शहर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है। यहाँ की शांत जलवायु, हरे भरे लहलहाते घने वन और यहाँ की सुंदर झीलें इस पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन अचानक मणिपुर में क्या हो गया कि एक शांत जलवायु वाला राज्य हिंसा से चल रहा है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, ये सब जानेंगे इस वीडियो और साथ ही जानेंगे मणिपुर के बारे में रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट विद सुरेश में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल या पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए जिसे इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलते रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंसा की आग में क्यों सुलग रहा है मणिपुर, क्या है विवाद और इसकी वजह क्या है, आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ मामला। दरअसल ये पूरा मामला हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ। 14 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने मैटी समुदाय के आरक्षण की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करे। मैथी समुदाय ने हाईकोर्ट में कहा था कि उनकी परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए मैथी समुदाय को ST दर्जा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से ही तमाम आदिवासी समूह विरोध में उतर आए। उनका कहना था कि मैथी समुदाय को ST का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। कुकी और नागा जनजाति के लोगों ने इस विरोध की शुरुआत की और इसमें उनका साथ तमाम अन्य जनजातियों ने दिया। अब विवाद पर आने से पहले उस समुदाय को भी जानना जरूरी है जिसके विरोध में तमाम जनजाति के लोग उतर आए हैं। क्या है मैटी समुदाय? मणिपुर में सबसे ज्यादा आबादी मैटी समुदाय की है। राज्य की आबादी का लगभग 64.6 मैटी समुदाय से है। हालांकि ये समुदाय सिर्फ 10% भूभाग पर ही बसा हुआ है, बाकी 90% हिस्सा पहाड़ी है जिसमें राज्य की बाकी बची आबादी रहती है। इसी भूभाग में नागा, कुकी समेत वो सभी जनजातियां रहती हैं, जो मैटी समुदाय के विरोध में उतर आई है। क्या है समुदाय की मांग? मैटी समुदाय का कहना है कि उनके पास पहले से ही काफी कम भूभाग है जो लगातार कम हो रहा है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग भी इस शहरी इलाके में आ रहे हैं जिससे जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए कोई भी कानून नहीं है। इसीलिए मैथी समुदाय खुद के लिए विशेष दर्जे की मांग करता आया है, जिसे लेकर उनकी तरफ से हाई कोर्ट का रुख किया गया था और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। मैथी समुदाय का विरोध क्यों? वहीं मैथी समुदाय का विरोध करने वाली जनजातियों का पक्ष है कि मैथी एक काफी मजबूत समुदाय है। इसकी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है और ये शहरी इलाकों में रहते हैं। उनका कहना है कि मैथी समुदाय को तमाम वो सुविधाएं मिलती है जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाती। मैथी समुदाय पर पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ के भी आरोप लगाए जाते हैं। लैंड सर्वे को लेकर बवाल। मैथी समुदाय के विरोध के बीच मणिपुर सरकार की तरफ से कराए गए सर्वे ने पहाड़ी जनजातियों को भड़काने का काम किया। मणिपुर सरकार ने पिछले साल एक लैंड सर्वे कराने का फैसला लिया था। इस सर्वे के बाद कुकी समुदाय के कुछ लोगों को कहा गया कि वो रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं और उन्हें वो जगह खाली करनी होगी। ऐसे शुरू हुई हिंसा। इस मुद्दे को लेकर 27 अप्रैल को द इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF की तरफ से एक सरकार के खिलाफ 8 घंटे का बंद बुलाया गया था,
28 अप्रैल को सीएम बीरेंद्र सिंह के दौरे से पहले चूराचांदपुर में ये बंद शुरू हुआ। सीएम यहां ओपन जिम का उद्घाटन करने वाले थे। इससे पहले बीरेंद्र सिंह के लिए तैयार मंच को आग के हवाले कर दिया गया। बाद में इलाके में पुलिस बल तैनात हुआ। हालांकि इसके बाद हिंसा रुकने की बजाय और जिलों तक फैलती गई। छात्र संगठन के मार्च से भी भड़की हिंसा। मणिपुर के अलग अलग जिलों में मेती समुदाय के खिलाफ ऐसे ही बड़े मार्च निकाले गए। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इसी बीच मेती समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए और दोनों पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़पें हुई। फिलहाल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से हजारों लोगों को निकाला गया है और सेना की तैनाती की गई है। और हिंसा को दबाने और खत्म करने में राज्य और केंद्र सरकार अपना अपना कार्य कर रहे हैं। चलिए जानते हैं मणिपुर राज्य के रोचक जानकारी। मणिपुर का इतिहास हमें वर्ष 1891 में ले जाता है, जहां से हमें पता चलता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाले स्वतंत्र राज्यों की सूची में शामिल होने वाले राज्यों में मणिपुर अंतिम राज्य था, जो कि वर्ष 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया और फिर बाद में मणिपुर को सन 1972 के दौरान एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में मारीबम कोइरेन सिंह ने शपथ ग्रहण की। मणिपुर राज्य से ही रासलीला की उत्पत्ति हुई है। मणिपुर के लोग नृत्य गायन में बहुत रुचि रखते हैं। मणिपुर को उत्सव की भूमि के नाम से जाना जाता है। मणिपुर के खास उत्सव में से कुछ प्रमुख त्योहार इस प्रकार है: डोल यात्रा, रथ यात्रा, कुट, लाई हरोबा, चुम्फा तथा दशहरा आदि है। पर्यटकों के लिए भी ये त्योहार बहुत ही अलग अनुभव देने वाले हैं। मणिपुर की वेशभूषा मणिपुर की संस्कृति को स्पष्ट करती है। मणिपुर में पुरुषों की पोशाक में मुख्य रूप से सफेद कलर की धोती कुर्ता और सफेद पगड़ी होती है। महिलाएं एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनती है, जिसे इन्नाफी के नाम से जाना जाता है और यह एक शोल की तरह होता है, जिसमें चारों तरफ आकर्षक रंग की बॉर्डर और बहुत ही सुंदर डिजाइन होती है। इसके अलावा एक फेनिक और स्कर्ट भी महिलाओं की पोशाक में शामिल है। मणिपुर में शास्त्रीय तथा लोक नृत्य सिर्फ भगवान के मंदिरों में ही किए जाते हैं। मणिपुर के लोग राधा कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। इसी वजह से मणिपुरी नृत्य भी राधा कृष्ण को ही समर्पित होते हैं। मणिपुर से ही रासलीला की उत्पत्ति हुई थी। मणिपुरी नृत्यों में मुख्य रूप से पुंग चोलम नृत्य, माई नृत्य, खम्बा थाबी नृत्य और नूपा नृत्य शामिल है। मणिपुर राज्य के बारे में रोचक तथ्य की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल मणिपुर का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ मणिपुर के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। मणिपुर में 9 जिले हैं: विष्णुपुर, चंदेल, चुराचंदपुर, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, सेनापति, तमेंगलांग, थोबल और उखरुल। मणिपुर की प्रमुख भाषा मणिपुरी है, जिसे मीठी या माइटिलून के नाम से भी जाना जाता है। यह भाषा मणिपुर के साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार में भी बोली जाती है। मणिपुर राज्य में घूमने लायक पर्यटन और दर्शनीय स्थल की बात करें तो मणिपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से मणिपुर की राजधानी इम्फाल सबसे ज्यादा खास है। इम्फाल मणिपुर का सबसे बड़ा शहर है। इम्फाल में कई झील है, जहां घूमकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इम्फाल मणिपुर का संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। इम्फाल में कई ऐसी जगह है जहां पर आप यात्रा का आनंद ले सकते हैं। मणिपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में चंदेल जिला भी शामिल है। चंदेल जिला भारत और म्यांमार की सीमा के बीच स्थित है। चंदेल जिले को लामका और गेटवे टू म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। चंदेल जिला मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंदेल जिला अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। चंदेल आने वाले पर्यटकों को चंदेल के नृत्य और संगीत इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो इस अनोखे दृश्य को भूल नहीं पाते हैं। मणिपुर के दर्शनीय स्थलों में शामिल थोबल एक ऐसी जगह है जहां पिकनिक का असली मजा आता है। थोबल में पर्यटक ट्रेकिंग करने का आनंद उठा सकते हैं और इसके साथ ही यहां की एक पैदल लंबी यात्रा होती है, जिसका अपना ही अलग मजा होता है। पर्यटन की दृष्टि से थोबल बहुत ही शानदार जगह है। थोबल शहर में कई मंदिर है और जल निकाय भी है। मणिपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक तामेंगलोंग शहर है, जो कि संतरों की खेती के लिए बहुत फेमस है। तामेंगलोंग में जानवरों के लिए चिड़ियाघर भी है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। सेनापति जिला मणिपुर स्टेट में घूमने लायक जगहों में से एक प्रमुख जगह है। ये क्षेत्र 80% वनों से घिरा हुआ है।
सेनापति ग्रामीण क्षेत्र है जो कि पर्यटकों को गांव से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए बहुत ही शानदार जगह है। मणिपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एंड्रो एक बहुत ही अलौकिक जगह है। एंड्रो के लोग मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते हैं। इन मिट्टी के बर्तनों का एक संग्रहालय है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही शानदार है। इसी तरह खोंगजोम, चुराचिनपुर, उखरुल है। मणिपुर का खान पान की बात करें तो इसका स्थानीय भोजन में मुख्य रूप से चावल तथा मछली प्रसिद्ध है। मणिपुर के लोग मछली की करी, जिसे नगा थोंबा के नाम से जाना जाता है, लोगों को बहुत अधिक पसंद है। शाकाहारी खाने के रूप में मणिपुर का प्रसिद्ध ऊटी खाना है। चामथोम जो सब्जियों के साथ बनाया जाता है, मणिपुर का सबसे खास व्यंजन है। मणिपुर के लोग बिना तेल का पकाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही यहाँ चाइनीज खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। मणिपुर घूमने के दौरान आप यहाँ के तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद चखने का लाभ भी उठा सकते हैं। मणिपुर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय की बात करें तो सर्दियों का समय सबसे अच्छा माना जाता है। सर्दियों के समय आप मणिपुर की खूबसूरत वादियों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। हालांकि साल के किसी भी महीने में जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, परंतु गर्मियों में मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो आपको उतना आनंद नहीं मिल पाता है। थैंक यू सो मच जो वीडियो को आखिर तक देख, कैसे लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।